पागबड़ा के गांव सब्जीपुर की ग्राम प्रधान द्वारा गांव के ही पूर्व प्रधान पर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। शिकायतकर्ता ग्राम प्रधान अनीशा का कहना है कि गांव सब्जीपुर में पिछड़ी महिला सीट के होने के चलते ग्राम प्रधानी पद पर उन्होंने जीत दर्ज की थी और वो पिछले 3 वर्षों से गांव की प्रधान है। अनपढ़ होने के चलते गांव के पूर्व प्रधान द्वारा दबंगई तरीके से प्रधानी के कार्य को किया जा रहा है। उनसे जबरन दस्तखत कराए जाते हैं। शुरू में वो विरोध करती और अब भी जब कभी उन्होंने पूर्व प्रधान से इसका विरोध किया तो पूर्व प्रधान द्वारा उनके साथ दबंगई की गई। मौजूदा ग्राम प्रधान अनीशा द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आपको पता है प्रधानी में कैसे कैसे क्या क्या? कुछ नहीं पता मुझे। अब तक जैसे विकास के लिए एप्लीकेशन जाती थी या काम कराते हो तो कैसे कैसे होता है? कुछ नहीं पता नहीं मुझे, ये करवाते हैं जो साना ली। अरे आपके पति ने आरोप लगाया है कि वो आपके बच्चे को भी अपने घर रख लिया था, क्या बात है? ठीक बात है। हाँ ठीक बात है। कितनी बेटियों को उन्होंने अपने पास रखा? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां। क्या कहते थे बेटियों के लिए? काम कराते थे घर का? हाँ, घर का काम है, पोछा उछा झाड़ फाड़ू ये काम कर रही थी। और अच्छा, जैसे विकास के काम जैसे होते हैं गांव के अंदर, वो आप आपके साइन होते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कैसे उनसे काम? ना, मुझसे कुछ ना बताया, मुझे क्या पता, मैं पढ़ी लिखी कौन सी क्या काम हो रहा है क्या ना हो रहा है सब वही कराते हैं। अब जैसे आपने शिकायत की है तो क्या कह रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी ने तो दे दी वो कल बस्ता। आपके पति ने दे दिया, लेकिन जो आपके बच्चों को रखते थे अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो तो दे दिया उन्होंने सामान, लड़के भी दे दिए सामान, सब सामान आ गया। बाकी आदमी हमारे पीछे लगे हुए हैं, अब हम पे सब सामान आ गया। अब आप क्या चाहती हो? अब यही चाहते हैं जो हम सही सलामत चलती रहे प्रधान जी आगे हमारी जान को कोई। हाँ। शिकायतकर्ता ग्राम प्रधान सब्जीपुर अनीशा के पति द्वारा बताया गया कि उनके परिवार का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, गांव के दबंगों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, साथ ही गुहार पर कुदरकी ब्लॉक के आलहा अधिकारियों द्वारा उनको पूर्व प्रधान से बस्ता दिला दिया गया। शिकायत से पहले ग्राम प्रधानी के बस्ते को पूर्व प्रधान द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। मामला ये था सर, हमने कल एप्लीकेशन लगाई थी कप्तान साहब जी के वहाँ, तो थाने में आई तो दरोगा जी ने हमें बुलाया है। अच्छा, आप परेशानी क्या थी आपको? हमें परेशानी ये थी सर, हम प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये हमारे ज़्यादा नज़दीकी थे जो प्रधानी हमारी चला रही। प्रधानी जीत गए आप? प्रधानी हम जीत गए। अच्छा। प्रधानी जीत गए, उसके बाद में हमारी लड़की बुलाई, उन्होंने लड़की बुलाई ही कि कोई फंक्शन है हमारे वहाँ को भेज। मैं घर से बिरादरी से भी नीचा हूँ और घर से भी बहुत परेशान था और बचा कुछ अब और ज़्यादा हो गया हूँ, तो इन्होंने मेरे मौके का फ़ायदा उठाया कमजोरी का और मेरी लड़की को बंदी बना दिया। वो कल वीडियो साहब पहुँचवा गए हैं, कल आ गई हैं मेरे घर, वो कल मेरे घर आ गई हैं, बस्ता भी आ गया। अच्छा, जब आपने वहाँ शिकायत की कप्तान साहब के पास तो क्या हुआ? जी वो कप्तान साहब के वहाँ से आ गई थाने में। थाने में हमें बुलाया गया, हम जा रहे हैं लेकिन हमें लोग घेरे फिर रहे हैं उधर से, अभी थाने पहुँचे नहीं, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम तो साहब इंसाफ ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारा परिवार बचा रहे और सुरक्षित रहे। जैसे आप मौजूदा प्रधान है गांव के, आपकी पत्नी प्रधान है गांव जी, तो गांव में जितने काम होते हैं कराते हो आप? ये हम न कराते, ये वो ही करा रहे हैं, हमसे तो हमारी घरवाली से अलग में सहन कराते हैं और वो भूरा जो है वो दबंगी के साथ, अगर एक बार पूर्व प्रधान भी आए, 2-3 बार भूरा भी आया, हमारी पत्नी है पूछ लो, मुझसे अलग में इससे सहन कराते हैं और ये सिर्फ सहन करना जानती है, पढ़ी लिखी है नहीं। अब आप क्या चाहते हो? तो अपने आप करना चाहते हो या अभी भी उनके अंडर में ना? उनसे तो हमने, हम पे आ गई प्रधानी तो आ गई था, लेकिन हमें हमारे परिवार का खतरा है और जो हमारा इससे सहन कराए गए हैं वो जितने भी कराए हैं, कितने बहुत से कागजों पे कराए तुमसे सहन? हाथ से ही बता दो, ऐसे ही तो पे कराए लगभग 3 साल से करवा ही रहे हैं। और कहाँ करवाए करे बताओ, तुम जो बात है वही बताओ। अब आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं साहब कि जो कुछ टाइम बचा है गांव की सेवा कर लें, गांव हमारे कोई विकास ना हुआ आज तक, और हमारी सुरक्षा होनी चाहिए।